खबर झारखंड और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। गढ़वा शहर में फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां सड़क हादसे में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई है। हादसा कचहरी रोड स्थित मंगल भवन के पास हुआ है। दरअसल चेचिस वाहन में सवार होकर चालक जा रहा था और उसी दौरान जब उसने बाहर झांकने की कोशिश की तो वो चेसिस से बाहर गिर गया। इस दौरान दूसरी तरफ से आ रही ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इसके बाद आपको बता दें कि गाड़ी बगैर चालक की ही चलती रही और उसने मॉर्निंग वॉक कर रही एक महिला को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद महिला की भी दर्दनाक मौत हो गई। ZBR झारखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गढ़वा में किस तरीके से हादसा हुआ है और ये तस्वीरें आप देखिए इसके बाद किस तरीके से लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। आपको बता दें कि चालक की मौत हो गई और एक और महिला की भी इस हादसे में मौत हुई है। ड्राइवर नींद में होगा या कोई नशा में होगा, वह ड्राइवर अपने से गाड़ी पर से गिर गया और गाड़ी एम्बुलेंस जा करके उपेंद्र सिंह के घर के सामने पुलिया में मारा और उस जगह एगो पंडित के मम्मी मैंने बुढ़िया अपने से बुढ़िया के मारते हुए पुल में गाड़ी टकरा करके गाड़ी रुक गई। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता चंदन कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, क्या कुछ कार्यवाही इस पूरे मामले में अभी तक हुई और कैसे ये हादसा हुआ, जरा पहले ये बताइए। ये जो घटना घटी है ये बहुत हृदय विदारक घटना है, तब घटी जब अगले सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक निकलते हैं, एक चेसिस गाड़ी जो थी वो नई गाड़ी थी, वो चालक उसे लेकर यूपी के रेणुकूट जा रहा था। उसी दौरान वो अपने ड्राइविंग सीट से नीचे बाहर झांक रहा था, उसी दौरान उसका स्टेयरिंग पर से हाथ छूट गया जिससे वो गिर गया। उसके बाद दूसरे तरफ से जो ट्रक आ रही थी उसे वो कुचलते हुए निकल गई। फिर उसके बाद जो चेसिस जो जी बोलिए बोलिए। फिर जो चेसिस जो है जो ट्रक है वो बिना चालक के कुछ दूर तक 500 फीट तक चलती रही, जिसमें एक महिला जो है वो मॉर्निंग वॉक करके अपने घर की ओर जा रही थी, उसमें वो उसके चपेट में आ गई जिसमें उसकी भी दर्दनाक घटना मौत हो गई। जी चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, ये बताने के लिए कि आखिर कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। तो देखिए इस हादसे के बाद वहाँ पर जैसे ही लोगों को जानकारी हुई वहाँ पर अफरा तफरी मच गई और लोग इकट्ठा हो गए। तो देखिए गढ़वा में लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। सदर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में एक तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने टेम्पो में टक्कर मार दी। इस घटना में टेम्पो में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने गढ़वा छत्तीसगढ़ सड़क पर जाम लगा दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। इसकी वजह से सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिर वहां से जाम हटवाया। साइड में गाड़ी था आया पिकअप वाला धक्का मार दिया। हम लोग सब्जी लोड कर रहे थे टेम्पो पर, लोड करने जा रहे थे, टेम्पो बगल में लगाया हुआ था और पिकअप वाला लान के एक बैग उधर घुसा दिया, घुसा के और फिर सीधा कर लिया और बहुत स्पीड में था। और पाकुड़ पुलिस ने मनोज मुर्मू नामक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। मनोज मुर्मू पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में डकैत, हत्या और लूट सहित कई मामले दर्ज हैं। पाकुड़ पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी। आपको ये बताएं कि लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के सूरज बेड़ा गांव में ये कुख्यात अपराधी घूमते हुए नजर आया। सूचना मिलने के बाद टीम बनाकर लिट्टीपाड़ा से पुलिस को भेजा गया जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। तलाशी के दौरान इसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है तो वहीं पुलिस के मुताबिक इसका संबंध प्रतिबंधित संगठन से हो सकता है और इसकी भी पड़ताल की जा रही है। मेरे गुप्त सूचना के आधार पर अवैध अग्नियास्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपने स्वकृति बयान में भी अपनी संलिप्तता इन सभी कांडों में स्वीकार की है। इसका जो स्तर है इससे यह इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने बंगाल में भी ये होगा, बिहार में भी होगा और झारखंड के अन्य सीमावर्ती जिले में भी इनकी संलिप्तता हो सकती है। पुलिस इस एंगल से भी छानबीन कर रही है।
और चलिए बात कोडरमा की करेंगे। कोडरमा के दूधी माटी में रिटायर्ड शिक्षक विनय कुमार सिंह के घर पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोर करीब 5 लाख रुपए की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। रिटायर्ड शिक्षक का पूरा परिवार छठ मनाने के लिए गांव गया हुआ था और इसी बीच चोरों ने घर पर धावा बोल दिया। इसके साथ ही उसी मकान में किराए पर रहने वाले पूर्व उत्पाद अधीक्षक के घर से भी चोरों ने लाखों रुपए की संपत्ति चोरी कर ली है। पुलिस अब पूरे मामले की जाँच कर रही है और अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पूरा घर का सामान यहां पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है और लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ किया है। कोडरमा का ये पूरा वाक्य हम आपको बता रहे हैं, पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। इस वारदात से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से चोर बेखौफ हैं, कोई डर नहीं है उन्हें, आराम से आते हैं, चोरी करते हैं और महंगे महंगे सामानों पर हाथ साफ करते हैं और फिर आराम से चलते बनते हैं। दूधी माटी की ये पूरी वारदात आपको बता रहे हैं जहाँ पर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। रिटायर्ड शिक्षक के बंद पड़े घर पर किस तरीके से उन्होंने हाथ साफ कर दिया है। दरअसल जो परिवार है वो छठ मनाने के लिए अपने गांव गया था और उस दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। बात बोकारो की करेंगे। बोकारो में BSL के क्वार्टर पर का जो छज्जा है गिरने से हादसा हो गया है और इस दौरान दो परिवार छत के ऊपर ही फंस गए। घटना बोकारो के सेक्टर 12 की है। इसके बाद BSL के निदेशक प्रभारी ने मौके का जायजा लिया और मदद के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बोकारो के BSL के क्वार्टर में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और इसके बावजूद बोकारो स्टील प्रबंधन गंभीरता नहीं दिखा रहा है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि बोकारो स्टील प्लांट लगातार मुनाफा कमा रहा है लेकिन क्वार्टरों की स्थिति जर्जर बनी हुई है और लगातार इस तरह की घटनाओं से अब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो क्वार्टर है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं, खतरा बना हुआ है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी BSL जो है वो इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बताएं कि इस हादसे के बाद से दो परिवार छत पर ही फंसे रहे। दरअसल बोकारो के सेक्टर 12 की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। ZBR झारखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब जो बोकारो स्टील प्रबंधन है उनके खिलाफ जो लोग हैं उनका गुस्सा सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मुनाफा तो हो रहा है लेकिन बावजूद उसके जो क्वार्टर है उनकी स्थिति ठीक नहीं की जा रही है, ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरें जो तो आप देख रहे हैं उनको देखकर आप ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर क्वार्टरों की स्थिति है, जर्जर ये पूरी तरीके से हो चुके हैं। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में ठंड बढ़ गई है। आपको बता दें कि 2 सालों में रविवार की रात सबसे सर्द रही है, वहीं खिली धूप के बावजूद ठंडी हवा चल रही है। रांची में रविवार का जो तापमान रहा वो 6 डिग्री सेल्सियस से गिर गया है। शनिवार को जहां शहर का न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था तो वहीं रविवार को यह घटकर 11.7 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक इसी तरह की ठंड बरकरार रहने की संभावना है। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में ठंड जो है बढ़ रहा है लगातार। अगर हम बात करें तो कल रात यानी रविवार की रात जो है पिछले 2 वर्षों में सबसे सर्द रात रही है। 6 डिग्री तक जो है तापमान गिर चुका है। हालांकि पश्चिम बंगाल के खाड़ी में दबाव बढ़ने से जो है मौसम में बदलाव हुआ है और मौसम वैज्ञानिक की माने तो अगले 5 दिनों तक इसी तरह के ठंड जो है बरकरार रहेंगे। लेकिन 5 दिनों के बाद जैसे बादल फटेगा फिर मौसम में बदलाव आएगा और तापमान बढ़ेगा तो ठंड जो है वो थोड़ी कम होगी। लेकिन फिलहाल राजधानी रांची समेत झारखंड वासियों को ठंड से निजात नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। रांची में आलू और प्याज की कीमतें लगातार चढ़ती जा रही है। आलू 50 रुपए किलो तो वहीं प्याज 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। आलू और प्याज की कीमतें कम नहीं हो रही हैं, इससे हर कोई परेशान है। हमारे संवाददाता मदन सिंह ने हरमू बाजार का जायजा लिया है। हम लोग कभी नहीं सोचे थे इतना महंगा होगा उसको। हम लोग 80 रुपया प्याज कहाँ खरीदेंगे, आलू 50 रुपया का भी हम लोग खरीद नहीं करते थे। आलू हम लोग 5 किलो खरीदते थे तो 1.5-2 किलो खरीदते हैं। अब आलू तो डेली खाना है इसलिए सब्जी भी बहुत महंगा है, 40 रुपये 50 रुपये देता है।
आलू प्याज की बढ़ती कीमत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले एक महीने से लगभग 50 रुपए किलो आलू और 70 रुपए के करीब प्याज मिल रहा है। बाजार में नया आलू आ जाने के बावजूद आलू की दाम में जो है कमी नहीं देखी जा रही है, जिससे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इतनी महंगाई से लोगों के किचन का जो है बजट वो बिगड़ता हुआ जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं हरमू बाजार में और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ थोक के साथ साथ खुदरा भी बेचा जाता है। यहाँ के दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं। भैया, कितने दिनों से लगभग इस तरह का जो 70 रुपए प्याज और आलू 50 रुपए है? जल्दी से लगभग 15 या 20 दिन से रेट भागा है। नया आलू आने के बाद अभी उसका मार्केटिंग में माल ज्यादा नहीं है, कम है अभी, इसीलिए। तो नया आलू जरूर बाजार में आ गया है, लेकिन अभी जिस तरह से उत्पाद होना चाहिए वो बाजार में नहीं पहुंच रहा है, इसलिए फिलहाल लोगों को राहत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। फिलहाल आलू 50 और प्याज 70 के पार है, इसलिए लोगों का बजट जो है वो बिगड़ चुका है और लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। साहिबगंज कॉलेज के आदिवासी छात्रावास के पूर्व छात्र नेता के साथ हुई मारपीट के बाद तनाव पैदा हो गया है और इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 3 थानों के पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाया है। दरअसल साहिबगंज कॉलेज के मेन गेट से 200 मीटर की दूरी पर आदिवासी छात्रावास के पूर्व छात्र नेता आशीष पासवान की मोटरसाइकिल और एक युवक की बाइक के बीच टक्कर हो गई। नौबत मारपीट पर आ गई, इसमें छात्र नेता घायल हो गया और इसकी सूचना मिलते ही छात्रावास से दर्जनों छात्र घटनास्थल पर पहुंचे और बाहरी युवक को पकड़कर कॉलेज परिसर में ले आए, जहां उसके साथ मारपीट की गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कॉलेज परिसर से युवक को मुक्त कराकर इलाज के लिए भर्ती कराया, तो वहीं पूर्व छात्र नेता का भी इलाज किया जा रहा है। हॉस्टल के छात्र संघ के नेता है, सचिव है या क्या है? वो हमारे पूर्व छात्र नेता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। उनका इस तरह से हाल किया गया है कि हम लोग का स्थिति बहुत ही खराब है, उनका अभी प्रशासन उनको ले गया यहाँ से। दो मोटरसाइकिल में टक्कर हुआ था और ये विवाद बढ़ा और कॉलेज हॉस्टल के लड़कों का और एक झरना कॉलोनी के लड़कों के साथ मारपीट हुआ है जी। दोनों पक्षों को हल्की चोटें आई हैं और अभी ठीक है, माहौल नियंत्रित है जी। चतरा जिले के सिमरिया अनुमंडल के डाडी से तेतर मोड़ जाने वाली सड़क पूरी तरह से बदहाल हो गई है। इसे लेकर एदला गांव के ग्रामीण आक्रोशित हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने सांसद विधायक से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि तक का विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क टूटकर गड्ढे में तब्दील हो गई है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने इसकी सुध नहीं ली है। सड़क की इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है और ऐसी हालत से भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी परेशानी होती है। साथ ही सब्जी व्यापारियों ने गांव आना छोड़ दिया है और इसकी वजह से लाखों रुपए की सब्जियां सड़ रही हैं, जिसके कारण लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। आपको ये बता दें कि सड़क करीब 1 दर्जन गाँव को जोड़ती है और ऐसे में जो सड़क की हालत है उसके बाद जो ग्रामीणों का गुस्सा है वो आप देख सकते हैं। डाली से तेतर मोड़ का पथ जो है वो काफ़ी जर्जर हो चुका है। हम लोग लगातार 5 वर्षों से इसका मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। अभी तक सिर्फ विधायक जी का एक बार आश्वासन मिला था कि ये बन जाएगा, लेकिन उस पर अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है और सांसद तो कभी सुधि उस पर लिए ही नहीं है। राजधानी रांची में बकाया बिजली बिल वालों के कनेक्शन काटे जाएंगे, इसके लिए राजधानी रांची के 6 डिवीज़न में 105 टीमें गठित की गई हैं। बिजली विभाग के द्वारा बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद बिजली बिल नहीं जमा करने के बाद ये सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बिजली बिल नहीं जमा करने वालों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली है। राजधानी रांची के 6 डिवीज़न में बिजली विभाग ने 105 टीम गठित कर दिया कि बिजली बिल जिनके